Yeah. Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like. Assalamu alaikum friends, welcome back to Saman ki Duniya. I hope aap sab bilkul theek honge. Ek minute. Saman ki Duniya mein welcome. Saman ki Duniya mein khush aamdeed. Saman ki Duniya mein enter. Saman ke saath saath. Ab zara change hai. अब वो चेंज है तो मेरी वीडियो देखने से पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें और मेरा व्लॉग देखें। चलें कहाँ व्लॉग की तरफ। हैंडिक रूटीन के बाद अब हम आए हैं। शुरू टाइम बताएं यार। 6:50। अच्छा 6:50 को इंग्लिश में क्या के बताओ कैसे होते हैं? 6:50 को इंग्लिश में क्या, उर्दू में? इंग्लिश ये आपको मैंने 6:50 अच्छा 6:50 इसने मुझे पंजाबी में कहा। 6 की होता 6। अच्छा हां 6:50 है। हां जी बोलो जरा इंग्लिश में बोलो। 6 चेक करें ना। वेल डन वेल वेल आई गॉट ब्रॉड्स इन द लैंड। 9th के पेपर दे रहा है ये 9th के पेपर तो इससे ये नहीं 6:50 मैंने इंग्लिश का कंफ्यूज हो गया ले क्या कहना इंग्लिश में। ओए चेक करें आजकल के बच्चे ऐसे ही होते हैं। वे क्या कर सकते हैं, हम जैसे थोड़ी क्यूट प्यारे और समझदार हो सकते हैं। नहीं हम जो थे ना हम वो एक अलग ही थे। जो आजकल के बच्चे वो एक अलग ही है। अब समझ आए क्या अलग अलग है। अच्छा तो हम मैंने बताना था कि मच हेडिक रूटीन के बाद अब मुझे थोड़ा सा टाइम मिला है व्लॉग बनाने के लिए और तो हम अब आए हैं। सो वेलकम अगेन। सुस्ती तो मुझे इतनी है कि मेरा दिल कर रहा है कि अभी बेड में जाऊं और आराम स्कूल से सो जाऊं, मगर नहीं सो के क्या करना है। रात को फिर नींद नहीं आनी और जब रात को नींद नहीं आनी तो सुबह जाग नहीं आनी। जब जाग नहीं आएगी तो मैं स्कूल नहीं जाऊँगी तो डांट पड़ेगी तो समझो यार। आई होप समझ गए होंगे। अगर डांट पड़ी तो क्या, समझ गए होंगे ना। तो फिर डांट नहीं खानी चाहिए यार, मूड ख़राब भी हो जाता है उससे। मेरा तो खास तौर पे अगर मुझे दिन में डांट पड़ेगी ना तो फिर मेरे दिमाग में ये होता है कि अब सारा दिन ना मेरा इस तरह ही गुजरेगा, डांट से भरा हुआ दिन तो अच्छा नहीं गुजरता फिर। इसलिए सुबह सुबह प्लीज़ कोई भी डांट ना खाया करें। अगर डांट पड़ेगी ना एक दफ़ा तो बस फिर समझ आए, मेरी तरह भी हो सकता है कोई इंसान। ये मेरा नया दोस्त, ये नहीं है पुराना है। नहीं है यार पुराना कहाँ, भी कितने महीने हुए हैं, 2 महीने हुए हैं तो 2 महीने वाला नया ही होता है। ये मेरा नया दोस्त, ये जब भी हमने आना है इसने हमें कहना है कि मेरे साथ छत पे और खेलो। कितना टाइम है नहीं है जो इसको इसके साथ खेले। ये देखें हाथ लगा रहा है अलमास के। शोस आप हैंड वॉश भी करते हो? हाँ जी। ये देखें हेलो गाइस। चलो हेलो गाइस को। ओए मुंह बंद कर पहले। ओए उसके मुंह पे जूता नहीं लगाओ। हेलो गाइस। चलो बस ठीक है, कह दिया उसने हेलो जो कहना था। तो आने से मम्मा मुझे इतना डांटती है जैसे कि मैं इसको उठा के घर लेके आती हूँ। मैं कोई नहीं लेके आती, ये खुद ही आता है और इसकी वजह से मुझे सारा दिन में ना कोई 10 दफा डांट पड़ जाती है। मैं क्या करूँ, मैं उसे ये इसे मैं कहूँ चले दबो जा बाहर चले जा, ये मेरी बात मानेगा नहीं मानेगा तो फिर मुझे इसकी वजह से डांट भी खानी पड़ती है बहुत। तो फिर बाद में देखी फिर ये याद रखी कि कितनी मैंने तेरी वजह से डांट खाई है। एक काम करने के लिए बाहर जा रहे हैं, जरा बाहर जाना भी जरूरी है क्योंकि वो काम करना भी जरूरी है। अगर वो काम नहीं होगा तो फिर हमारा बहुत से काम रह जाएंगे। तो हम चलते हैं बाहर। आई होप सो कि आप हमारे साथ जाएंगे बाहर कि हम देखते हैं आप देखेंगे कम कहाँ जा रहे हैं। शिरोज इनकी दोस्ती करवाओ, दोस्ती करवाओ इनकी, दोस्ती करना, दोस्ती ऐसे नहीं लड़ते। दोस्ती करने को कहा, मारने को नहीं कहा। यार डॉगी तू कर ले। हाँ तू कर ले, ये देख ले वो देख देख लो मम्मा और वो ए, खाई ना उसको ये ना दोस्ती करते करते ये क्रप कर दे उसे। ये मेरी फेवरेट बिल्ली है ना, कुछ कहना ओए छोर पीछे जा, वो डर रही है ना तो बैठ जा चुप करके। हाँ बिल्ली जी और तू भी इतनी शौकी ना मारा कर, ये ज्यादा ही कुछ शौकी मारता है। लड़का है अच्छा, ये ज्यादा ही कुछ शौकी मारता है। ये हर किसी से डरता है, हमारे घर इतनी सी बिल्ली आ गई उससे डर के भाग गया। ओए नहीं वो खेल रहा है इसके साथ, वो खेल रहा है, वो लड़ रही है ना, चेक करें बेवफा बिल्लियां। वो देखो पंजा पड़ा ही एक बिल्ली। चल छोड़ दे यार, छोड़ दे उसकी, क्यों गालियां
यार हम तो बिल्कुल फ्री हैं यार, तो आज हम क्या करेंगे? ये देखिए चेक करें जरा मुंह, जैसे मुझे कहा ना वैसे। हाँ बताओ, ये तो अंदर कर लो, शर्म नहीं आती? हाँ बुलाओ, बताओ। ट्रूथ और डेयर, ये फिल्म देखी आपने? ओए होए होए, क्या कमाल की फिल्म है। चलो अच्छा बताओ, ट्रूथ डेयर, ये इनके साइड ठगवा। मैं पागल हूँ, ये सारी इंडे उठा के डेयर करना पड़ेगा। एक ही फेंकूंगी बस। कौन सी? ये ले फेंक दी। चलो ये डेयर तो कंप्लीट हो गया ना, बस चलो मेरी बात। सो हाँ ट्रूथ और डेयर, कभी कोई अच्छा दोस्त मिला तुझे? अच्छा दोस्त? हाँ मिला। कौन मिला? मैंने बताया पर आपने पूछा अच्छा दोस्त मिला, मैं कहाँ मिला? नाम कौन पूछ... है नाम, नाम नहीं ना पूछना था, नाम बताओ भाई। गरबा रह गया था, अच्छा दोस्त मिला, मैं कहाँ मिला? बस ये गरबा है ना, नाम दसो। हाँ भाई नाम पूछा ही नहीं आपने, बस कहा तू अच्छा दोस्त बना है, मैं कहा हाँ बना, फिर उसका नाम बताओ पहले आप बताया। अगेन ट्रूथ और डेयर? डेयर डेयर कह दिया इसने। तो आप ऐसा करें, अजान हो रही है जाए नमाज पढ़े, अजानों का टाइम शुरू। ओके जी मगरिब हो गया, और मगरिब के जाए टाइम छत पे नहीं रुकते, तो हम चलते हैं नीचे और उसके बाद थोड़ी देर के लिए जाएंगे हम बाहर। ओके बाय बाय। हम फिर से आ चुके हैं और आज हम वो काम करने जा रहे हैं जो मुझे करना बिल्कुल पसंद नहीं। एक जब एक चीज खरीद ली हो तो उसे वापस करवाना मेरा मुझे बहुत गुस्सा है, मगर कोई बात नहीं, क्या जाना पड़ना, ये आप देख ही रहे होंगे। अब ले तो आए हैं और जब वापस की बारी आती है ना, जब पसंद नहीं आती और जब वापस करवाने आते, फिर चले साथ वापस करवाएं, वापस करवाएं, वापस करवाएं, फिर कौन आता है? मानो आ जाती। तो फिर खैर अब ये वापस करवाना है जो कि बिल्कुल मूड नहीं है, और फिर भी जाना पड़ता है। और देखना तीन चार उस दुकान वाले की बातें भी सुननी पड़नी है कि चार दिन के बाद आपको याद आ गया, जब पहले दिन आए थे तब भी तो करवा सकते थे, चार दिन के बाद मानो फ्री हुई है ना, तो अब ज़रा मानो कोई साथ लेके जाना है। बाहर चलते हैं थोड़ा सा मम्मा के साथ, ज़रा एंजॉय करने भी चलते हैं बाहर, और फिर इसको भी वापस करवाते हैं, देखते हैं देता है कि नहीं। क्या नाम है? समन। आप बॉय हो कि गर्ल हो? गर्ल हो। क्या उम्र है आपकी? माशाल्लाह बहुत छोटी सी लगती हो, क्यूट सी। अच्छा यहाँ पे क्या करने आई हो? अभी तो शॉपिंग कर रही हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो, अब तो शादी की उम्र हो गई है आपकी, है तुम्हें पसंद आया कि नहीं आया? अभी तक कोई पसंद नहीं आया। मामा पापा को बता दो कोई पसंद आया। मामा पापा नहीं आया। नहीं आया। अच्छा अच्छा मुझे बताओ, इंशाल्लाह शादी तो होगी होगी, क्या लड़के में कौन कौन सी खासियत होनी चाहिए जिसकी वजह से आप कहो कि भाई ये पसंद आ गया? जबरदस्त वेला ना हो। आजकल वेले जो रोटियां तोड़ते हैं ना, गुस्सा आता है। ये वो इंसान होते हैं जो दूसरों को खुश करते हैं ना कि सैड करते हैं, तो ये ऐसे इंसानों से मिलके खुशी भी होती है। सो हम इनसे सलाम लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह आपको खुश रखे। आप दूसरों को खुश करते हैं, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। थैंक यू सो मच। ओके, इस तरह के इंसान भी होते हैं जो दूसरों को खुश करते हैं। यार इन इंसानों की तरह बन जाओ, पता क्या? अब ये ना कि अब लोग कहते हैं जोकर है तो जोकर बन जाए। अरे यार सोच रहे होंगे आप, कहीं उन्होंने इस तरह सोचा होगा कि जोकर देख लिया का इस तरह बने तो फिर यानी कि जोकर बन जाए, तो इस तरह नहीं। एक बात तो है, लफोरी जो होते हैं ना यार, बस उनको खाने पीने का बड़ा शौक होता है। हर एक रेस्टोरेंट में इतना रश है, मतलब लफोरी का शौक ही यही है, खाना पीना या घूमना फिरना या ऐश करना या फिर शॉपिंग कर लेना या फिर झूठ बोल लेना। झूठ बोलने वाले भी लाहौरी मिक्स ही हैं बीच। तो जिस जगह आए हैं ना हम, लिबर्टी मार्केट है, तो यहाँ पे माशाल्लाह रश भी बहुत है। और जैसे कि ईद होती है, ईद तो अभी ईद आने में बड़ी ईद आने में कोई महीना है, हाँ मंथ है, मगर रश ऐसे जैसे यार शादियाँ होंगी ना, अब हमारी नहीं हो रही, इसका मतलब किसी की शादी नहीं, शादियाँ होंगी।
तो शादी में लोग जाहिर है शॉपिंग नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, तो अब हम अब जाहिर है अब शॉपिंग तो अब करनी है कि नहीं करनी, इतना सारा फिर लिया है, थोड़ी शॉपिंग भी कर ली है, अब जरा अब खाना खाते हैं। खाने का नाम है जी न्यू टिक्का कॉर्नर, चेक करते हैं इनके पास क्या क्या है, टिक्के शिक्के खा के घर चलते हैं। वैसे घर भी मम्मा ने चिकन बनाया है तो फिर मम्मा कहती है घर जो बनाया वो फिर क्या करना है, चलो खैर टिक्के के आज गुजारा करते हैं, चले हम खाते हैं खाना मम्मा के साथ, तब तक के लिए आप करें। अब हम फुल भी हो गए हैं, मम्मा फुल हो गई हैं, पक्की बात है, तो अब हम चलें घर चलें जी, हम फुल भी हो गए हैं, तो अब इंटरव्यू भी हो गया हमारा, जाने अनजाने में इंटरव्यू भी हो गया, तो चले अब हम चलते हैं घर, थोड़ा करते हैं रेस्ट, थकावट भी बहुत हुई है। आई होप सो आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, यार व्यूज़ भी तो करते हो ना, सब्सक्राइब भी कर दिया करो, क्या जाता है। ओके अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखें, और कोई भी टेंशन हो, कोई भी वजह हो, कुछ भी मसला हो, बस दिल पे हाथ रखें और से जस्ट आलिस।